हेलो ऑल यूट्यूबर, सभी को स्वागत करता हूँ और एक नया वीडियो में। यूट्यूब के तरफ से स्पेशली ऑफिशियल लॉन्च कर दिया गया है, जो आप अपना कम्युनिटी टैब में दुगुना ट्रैफिक ले आ सकते हैं। वो भी अपना ऑडियंस को आप खुद टारगेट कर सकते हैं, जो आप अपना ऑडियंस का अपना वीडियो को देखते हैं, वो भी अपना कम्युनिटी टैब के माध्यम से। ये ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। शायद उम्मीद करता हूँ ये फीचर सभी को मिल गया है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं मैं जो भी आपको चीज बोलता हूँ वो लाइव प्रूफ के साथ देखता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल का उसूल ही है एवरीथिंग विद प्रूफ। मैं सारी चीज आपको लाइव देखने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर मेरा चैनल में कुछ भी बेनिफिट आपको जाता है, कुछ भी रिलेटेड, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए आज का फीचर देख लेते हैं, जो कैसे आप अपना कम्युनिटी टैब के माध्यम से अपना ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। साथ ही साथ बोलना चाहता हूँ, कम्युनिटी टैब में बहुत कुछ चेंजेस लेके आए हैं, जो शायद अभी टेस्टिंग मोड में है, शायद वो अभी फीचर फिलहाल काम अच्छे से नहीं कर रहा है। और ये भी बोल देता हूँ, जो फीचर आपको दिया गया ओनली और आपको YouTube एप्लीकेशन में काम नहीं करेगा, ओनली फॉर ए डेस्कटॉप साइड में काम करेगा। तो आपको क्या करना, इसको फीचर को आपको इस्तेमाल करने के लिए अपना क्रोम ब्राउजर में जाके उसको डेस्कटॉप साइड में करके आपके YouTube को लॉगिन कर लेना, तो अभी जाके आपको ये फीचर काम करने वाला। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और सारी चीज आपको लाइव प्रूफ में दिखाता हूँ। चलिए मैं आ गया मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, पहले मैं चला जाता हूँ जो YouTube ऑफिशियल एप्स में। देख सकते मैं YouTube में आ गया हूँ और जाने के बाद मेरा चैनल में चला जाता हूँ। जैसे आ गया हूँ इस जगह में कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ। जैसे देख सकते कम्युनिटी टैब कर दिया और करने के बाद कोई मैसेज में क्लिक करता हूँ, तो देख सकते इस जगह में कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया है जो शेड्यूल्ड करने का। तो इस जगह से आपको पता चल गया है, जो अपना यूट्यूब एप्लीकेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं चला जाता हूँ, अभी मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। मैं एक APK तैयार करके रखा हूँ जो यूट्यूब का क्रोम से, तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैं क्रोम से यूट्यूब को ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद मैं चला जाऊंगा जो मेरा चैनल में, और जाने के बाद चला जाऊंगा जो क्रिएटर स्टूडियो में। वो देख सकते हैं मैं क्रिएटर स्टूडियो में आ गया हूं, और आने के बाद इस जगह में आपको दिखाई दे रहा है जो गो टू कम्युनिटी टैब, इसमें क्लिक करता हूँ। तो चलिए मैं आ गया, और आने के बाद आप लोग देख सकते हैं, तो इस जगह देख सकते हैं जो आप कम्युनिटी टैब में क्या क्या फीचर दिया गया है। इस जगह देख सकते हैं वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पोल क्रिएट कर सकते हैं, इमेज क्रिएट कर सकते हैं, और GIF भी दे सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर इस जगह में दिया गया है, और @ मेंशन देकर कोई भी चैनल को आप प्रमोट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ पोस्ट का साइड में इस जगह में क्लिक करेंगे तो इस जगह आ जाएगा जो शेड्यूल्ड पोस्ट, आप इस जगह में मैं क्लिक कर देता हूँ। वो जैसे क्लिक कर दें, देख सकते हैं नीचे आ गया चूज ए डेट टाइम ए पब्लिश दिस पोस्ट। तो आप इस जगह में आप टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना कौन सा जोन है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर मेरे को लगा। अगर मान लो मैं कोई भी इमेज अभी पोस्ट करना चाहता हूँ, तो इमेज में जैसे क्लिक करूँगा तो इस जगह में दिया गया है ड्रैग एन इमेज और GIF हेयर और सिलेक्ट ए फाइल टू अपलोड, ठीक है, अपलोड एन इमेज विद ए एक्सपेक्टेड रेशियो बिटवीन 2:5 and 5:2 only select image or GIF that you have permission to use, ठीक है। ये अभी फिलहाल इस जगह में काम नहीं करता। जैसे कि मान लो मैं ऐसे क्लिक करता हूँ जो सिलेक्ट ए फाइल टू अपलोड, तो देख सकते हैं इस जगह में क्लिक नहीं हो रहा है, इस जगह में कोई भी क्लिक नहीं हो रहा है। तो अभी ये टेस्टिंग मोड में है, तो सभी को ये मिल जाएगा। इसका मतलब यही हो रहा है, जो अगर मैं सोच रहा था जो मेरे क्रोम ब्राउजर में कुछ प्रॉब्लम है, मैं और एक ब्राउजर से आपको दिखा देता हूँ। तो एक दूसरा ब्राउजर है जो वाइंडेक्स ब्राउजर, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मेरा चैनल में चला जाऊँगा। चैनल का आने के बाद यूट्यूब स्टूडियो को क्लिक कर लेता हूँ। देख सकते हैं जैसे यूट्यूब स्टूडियो में आ गया हूँ, तो गो टू कम्युनिटी टैब में क्लिक कर देता हूँ। जैसे गो टू कम्युनिटी टैब क्लिक कर दिया हूँ, तो देख सकते हैं पोस्ट आ गया है। ऐसे ही पोस्ट में क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस जगह में वीडियो इमेज और पोल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इस जगह में जो शेड्यूल्ड पोस्ट है वो भी इस जगह में दिखाई नहीं दे रहा है। तो मतलब यही आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, ये शायद अभी टेस्टिंग मोड में है, ठीक है, अभी अच्छा से काम नहीं कर रहा है, लेकिन जरूर इसका आप लोगों को फायदा उठाना है। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद। और अगला वीडियो एक न्यू यूट्यूबर को लिए जबरदस्त वीडियो में लेके आने वाला हूँ, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना।